नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT के जमेरट में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूँ। BBA सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के यूनिट थर्ड से टॉपिक आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लीडरशिप स्टाइल्स। देखते हैं लीडरशिप स्टाइल्स क्या है और वो उसके कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो लीडरशिप का टाइप्स है वो है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जैसे कि इस वर्ड से ही क्लियर समझ में हमें यह आ रहा है, ऑटोक्रेसी। ठीक है, जहाँ पर कि क्या देखने में मिलता है, जो लीडर होता है ग्रुप का वो ऑटोक्रेसी चलाता है। इट मींस कि वो जो डायरेक्शंस जो है वो अपने फॉलोअर्स को देता है और जो फॉलोअर्स हैं यदि वो उनकी कोई बात नहीं सुनता है, इट मींस कि अपनी बात को थोपना। के ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इसमें देख लेते हैं। व्हेन द अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर आर कंसंट्रेटेड ऑन द लीडर इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, के सबॉर्डिनेट्स का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। द लीडर टेक्स फुल अथॉरिटी एंड अज्यूम्स फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्लानिंग पॉलिसीज एंड अदर वर्किंग प्रोसीजर्स आर प्री डिटर्मिंड बाय द लीडर अलोन। दे कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट वाट टू डू एंड हाउ टू डू। ही नेवर टेक्स एनी एडवाइस एंड सजेशंस ऑफ अदर पीपल। दे स्ट्रक्चर द एंटायर वर्क सिचुएशन इन देयर ओन वे एंड एक्सपेक्ट द वर्कर्स टू फॉलो देयर ऑर्डर्स एंड टॉलरेट नो डेविएशन फ्रॉम देयर ऑर्डर। दे आर जस्ट लाइक टायरेंट रूलर्स। The leader who believes and exercised the autocratic leadership style is known as autocratic leader. It means हम यहाँ पे देखने में ये मिल रहा है कि जो autocratic leader होता है वो पहले से ही चीज़ों को अपनी प्लानिंग वगैरह बनाता है और उसको कन्वे करता है, उसको मैसेज देता है अपने फॉलोअर्स को और उनको वो एक तरीके से फॉलो करनी होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो autocratic में जो फॉलोअर्स हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, देयर इज़ नो पार्टिसिपेशन बाय सबॉर्डिनेट्स। और द लीडर टेक्स फुल अथॉरिटी एंड अज्यूम्स फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीडर की होती है। ओके, तो इसमें इतना ही है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडर स्टाइल से जो स्टाइल है जैसे वर्ड से ही पता चलता है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं प्रजातंत्र, कि यहाँ पे सभी की बात सुनी जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फॉलोअर्स हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनकी सजेशंस हैं वो भी इसमें मानी जाती हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, देखिए। ओके, व्हेन द अथॉरिटी एंड द डिसीजन मेकिंग पावर आर डिसेंट्रलाइज्ड टू द सबॉर्डिनेट्स इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। देयर इज अ पार्टिसिपेशन बाय सबॉर्डिनेट्स। द लीडर डेलीगेट्स अथॉरिटी एंड प्रोवाइड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इवन टू द फॉलोअर्स। प्लानिंग पॉलिसीज एंड अदर वर्किंग प्रोसीजर्स आर डिटर्मिंड बाय द लीडर अलॉन्ग विद सजेशन ऑफ द फॉलोअर्स। सजेशंस ऑफ द फॉलोअर। ही कन्वेज द इंफॉर्मेशन अबाउट वाट टू डू एंड हाउ टू डू जस्ट एज अ कंसल्टेंट। ही टेक्स एडवाइस एंड सजेशंस ऑफ द पीपल। दे स्ट्रक्चर द एंटायर वर्क सिचुएशन इन डेमोक्रेटिक वे। दे आर जस्ट लाइक डेमोक्रेटिक रूलर्स। द लीडर हु बिलीव्स एंड एक्सरसाइज द डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडर। ओके, तो डेमोक्रेटिक लीडर में हमने ये देखा, यहाँ पे जो लीडर है और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या है कि इसमें जो प्लानिंग होती है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। सबॉर्डिनेट्स को भी अपनी बात कहने का इसमें अधिकार होता है। ठीक है, तो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड की जाती है जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो डिसेंट्रलाइज्ड इसमें की जाती है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में हमने देखा कि यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को भी कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, इसको फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में देखिए। व्हेन ऑल द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड टू द सबॉर्डिनेट्स इज नोन एज फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। इसमें जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो फ्री हैंड उनको दिया जाता है, फ्री उनको छोड़ दिया जाता है, वाट एवर दे वॉन्ट टू डू। द लीडर हु बिलीव्स ऑन दिस स्टाइल इज नोन एज फ्री रेन लीडर। द फ्री रेन लीडर डज नॉट यूज द पावर एंड लीव्स द पावर टू द सबॉर्डिनेट्स। ही सी डज नॉट प्रोवाइड एनी कंट्रीब्यूशन टू मेक प्लानिंग एंड पॉलिसीज। दिस
दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल इज़ वेरी यूजफुल व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर इंटेलिजेंट एंड फुल्ली अवेयर ऑफ देयर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको फ्री छोड़ दिया जाता है और वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके के तीन लीडरशिप स्टाइल हैं। और इन लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि ये जो थ्योरी बनाई गई है लीडरशिप पे उसमें अपना रोल अपना प्ले करते हैं। ओके, तो फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल के बाद इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।